ये उस दुनिया की जो कनेक्टिविटी का ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है मेटावर्स उसको तेज करने जा रहा है। इट्स नॉट अ स्कैम। जब आपको पता चल जाएगा मेटावर्स क्या है तो आप कहीं भी हैं कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसको मेटावर्स में लेके जा सकते हैं। अगर तो आप स्मार्ट बिजनेसमैन हैं, मेटावर्स आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। फैन सर, मेटावर्स वाकई है या कोई ये स्कैम है? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखें, जब मैं एज ए टेक्नोलॉजी का बंदा बात करता हूँ, मेटावर्स इज नॉट ए स्कैम, मेटावर्स इज समथिंग रियल। लेकिन जितनी हाइप मेटावर्स की क्रिएट की जा रही है कि ये भी सोचा जा रहा है कि मेटावर्स रियल लाइफ को ओवरटेक कर लेगा या इतना ऊपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। मेटावर्स एक फैक्ट है। जब ब्लॉकचेन आया, हम इस पर भी बात करते हैं, एआई पे भी करते हैं। मैंने एक दफा बोला था कि जब कोई तब्दीली आती है, कोई चेंज आता है, तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं इनिशियली। तो ये वो रेजिस्टेंस है जो बिल्ड हो रही है उस चेंज के अगेंस्ट। मेटावर्स इज नॉट अ स्कैम, मेटावर्स इज अ टेक्नोलॉजी जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करने जा रही है दुनिया को कनेक्ट करने में। ये उस दुनिया की जो कनेक्टिविटी का ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है मेटावर्स उसको तेज करने जा रहा है। इट्स नॉट अ स्कैम। ओके, तो ये जो मेटावर्स है हमारी लाइफ को किस तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं? देखिए, दिस इज अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मेटावर्स को कुछ लोग देख रहे हैं जी, इट्स लाइक अ फन थिंग, के मेटावर्स इज फॉर फन, लोग जाएंगे रिक्रिएशनल चीज़ें करेंगे। और कुछ लोग देख रहे हैं कि मेटावर्स, जैसे अभी मैंने कहा, स्कैम है। मेटावर्स जो है ये ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने जा रहा है। जो लोग मेटावर्स को समझते हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। फॉर एग्जांपल कि आप मेटावर्स के अंदर, अगर आप कोई मेडिकल स्टोर रन कर रहे हो, कोई मेडिकल क्लिनिक रन कर रहे हो, कोई ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हो, तो आप वो जाके मेटावर्स पे ओपन करके सिर्फ एक सर्टेन कंट्री या सर्टेन सिटी के ऑडियंस की बजाय पूरी दुनिया तक पहुँच सकते हो। और वो जो एक्सपीरियंस है शॉपिंग का, बाइंग का, ट्रीटमेंट का, डॉक्टर से बात करने का, वो जो होता है ना कि यार एक बंदा US में बैठा हुआ है और डॉक्टर पाकिस्तान में बैठा हुआ है और टेलीमेडिसिन से बात हो रही है और सिर्फ डॉक्टर पेशेंट देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप मेटावर्स के अंदर पेशेंट भी, डॉक्टर भी, या सेलर भी और बायर भी मेटावर्स के अंदर एंटर होंगे तो एक्सपीरियंस बहुत चेंज हो जाएगा। फिर उसके अंदर NFT इन्वॉल्व हो गया, उसके अंदर क्रिप्टो इन्वॉल्व हो गया, पेमेंट प्रोसेस बहुत ईजी हो गए हैं, डायरेक्ट पेमेंट्स हो गए हैं, बीच में से थर्ड पार्टीज ख़त्म हो गई हैं। अगर तो आप स्मार्ट बिजनेसमैन हैं, मेटावर्स आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। सिंपल मैं इतना कहूँगा। अगर आप एक टेक्निकली एक सॉलिड आदमी हैं या आप अवेयरनेस रखते हैं तो आप मेटावर्स से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं अपनी पाकिस्तानी प्रेफर्ड टर्म में बताऊं, ढेर सारे पैसे हैं अभी मेटावर्स के अंदर इन फ्यूचर, तो यू कैन अर्न अ लॉट। बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी मैं देख रहा हूं। जैसा कि वैसे तो हर चीज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है अगर आप उसको एक्सेसिवली यूज़ करते हैं। आप गेम्स को देख लें, अगर कोई बंदा 8-10 घंटे गेम खेलता रहता है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। मेडिकेशन को देख लें, एक्सेसिव मेडिकेशन का यूज़ भी नेगेटिव होता है। फेसबुक पे जाएं, आप उसको कैलकुलेटेड मैनर में प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसी तरह मेटावर्स में भी लोग मोस्टली एक जगह के होके रह जाएंगे, एक प्लेस के बिस्तर के होके रह जाएंगे, बैठे हैं सारा दिन मेटावर्स पे, वो जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, क्योंकि हमारी जो कॉम है या एज ए ह्यूमन हमारे पास बैलेंस मेंटेन करने का जो फन है वो बहुत सारा लिमिटेड है। हम जिस चीज़ में भी जाते हैं फिर शदीद आगे निकल जाते हैं। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन मैं देख रहा हूँ। इट इज़ नॉट अ स्कैम एंड यू कैन मेक हेल ऑफ अ मनी इफ यू अंडरस्टैंड द मेटावर्स। Will matter replace the reality? No, as I said, my simple answer is no. It is just a technology. It is just a way of, you know, establishing faster, solid connection between people around the world. इससे ज़्यादा नहीं। तो ये reality से बहुत दूर है। ये एक reality को clone करने की कोशिश की गई है जो हमेशा एक clone ही रहेगा, reality नहीं बन सकता। इतना मेटावर्स को ऊपर ना लेके जाएं, वरना ये स्कैम लगने लग जाएगा। तो ये जो मेटावर्स है, ये किस कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करने जा रहा है जी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी आप US में बैठ के पाकिस्तान से कुछ खरीद सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के US से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी क्वालिटी हॉस्पिटल और क्लिनिक में जाना है तो आपको US जाना पड़ेगा।
क्योंकि वो पूरा एनवायरनमेंट आप यहाँ फील नहीं कर सकते। वो जो यूजर एक्सपीरियंस लेवल है मेटावर्स के अंदर जाके वो बहुत ऊपर चला जाएगा। आप टीचिंग में मेटावर्स में जाएंगे, पूरे आप एनवायरनमेंट में खुद को फील कर रहे होंगे, टीचिंग की इफेक्टिवनेस और जो एक्सपीरियंस है ऊपर चला जाएगा। रिमोट सर्जरीज मेटावर्स में होने जा रही हैं, ट्रीटमेंट्स मेटावर्स में होने जा रही हैं, एंटरटेनमेंट होने जा रही है। सो आपके ये जितने भी प्रोसेस हैं एंटरटेनमेंट के, लर्निंग के, ट्रीटमेंट के, ये सारे बहुत ऊपर चले जाएंगे, बहुत तेज हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज एंड पॉजिटिव इंपैक्ट व्हाट आई सी फ्रॉम हियर। मेन गोल क्या हो सकते हैं मेटावर्स के? अगर आप मेन गोल की बात कर रहे हो तो इन सारे प्रोसेस जिसका हमने जिक्र किया, जैसे कि ट्रीटमेंट है, एजुकेशन है, सेलिंग एंड बाइंग, ई कॉमर्स है, देयर आर सो मेनी थिंग, इन सब को तेज कर देगा। इन सब का जो यूजर एक्सपीरियंस लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। अगेन इफेक्टिव ग्लोबलाइजेशन, तो इकोनॉमी पे भी इसका बहुत इंपैक्ट आएगा। और इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा, जो बता रहा हूँ मैं, कि बिजनेसेस पे आएगा, बिजनेसेस तेज हो जाएंगे। दैट्स द गोल, कनेक्टिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जितना तेजी से हो सके लोगों को कनेक्ट कर देना वर्चुअली विद यू नो रियलिस्टिकली क्लोन्ड टाइप ऑफ एक्सपीरियंस जो कि पहले कभी नहीं था। That's connectivity, effective user experience and connectivity. That's the main goal. Metaverse का फायदा किस तरह उठाया जा सकता है पाकिस्तान में रहते हुए? देखो, Metaverse का अगर फायदा उठाना है ना, पहले तो समझ ले कि Metaverse क्या है, फिर ये समझ ले कि Metaverse स्कैम नहीं है, ठीक है? जब आपको पता चल जाएगा Metaverse क्या है, तो आप कहीं भी हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उसको Metaverse में लेके जा सकते हैं। आप मेटावर्स में ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, आप मेटावर्स में ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, रियल स्टेट ले सकते हैं, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू इन द मेटावर्स। और इससे एंटर कैसे होना है, अगेन पहले आपने इसको समझना है, फिर देयर आर मल्टीपल मेटावर्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपने आपके पास अपना एक हेडसेट होना चाहिए, आपका एक अपना अकाउंट होता है, यू जस्ट गेट इनटू इट। अब एंटर होने से दो चीज़ें हैं कि आप एज ए टेक्निकल पर्सन अपनी एप्लीकेशन लेके कैसे जा सकते हैं, और मेटावर्स से एज ए टेक्निकली कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेटावर्स की एप्लीकेशन हैं, आप अपना मेटावर्स भी बना सकते हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप सेलर एंड बायर हैं, आप किसी भी मेटावर्स का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ और उधर जाके सेल करें। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है, एक हेडसेट चाहिए होता है और कुछ रजिस्ट्रेशन होती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो वो एक इतना ईजी है जितना फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है? इट इज जस्ट अबाउट अवेयरनेस।